हेलो फ्रेंड्स, सो आज है डे फर्स्ट। सोचा कैमरा भी है, मूड भी है, स्टाइल भी है, कुछ व्लॉग व्लॉग हो जाए तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। बातों का थोड़ा शशका चाहिए, थोड़ा सा अच्छा इंट्रो चाहिए, एक प्यारा सा कैमरा चाहिए और कुछ मज़ेदार से गॉसिप्स और स्टोरीज चाहिए। तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए एक बंदे की, इंजीनियर की जिंदगी की कहानी से। उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक। चलो चलते हैं फिर 8 साल पहले। करते हैं जनाब वहीं से 8 साल पहले जहां हमने छोड़ा था। तो सिलसिला कुछ इस तरीके से था कि नंबर अच्छे आ जाए या नंबर ना अच्छे आए, दोनों तरीके से बहुत ही प्रेशर होता है। नंबर अच्छे आ जाए तो दो ही ऑप्शंस बचती हैं, या तो बंदा बन जाए डॉक्टर और जाए इसी फील्ड में, या तो बंदा फिर बन जाए इंजीनियर, क्योंकि उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। इसे करे और ये करे, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर तो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा गर्दाना ही नहीं जाता। और जब हमने देखी इंजीनियर की लाइफ तो एक पैदा होता है शशका। तो जनाब छोड़े डॉक्टर शॉक्टर को, चलते हैं इंजीनियरिंग की तरफ, क्योंकि भाई है आपका मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे ही इरादों ने एक सिमट के पकड़ी, भाई ने इंजीनियरिंग का क्या सोचा, जैसे कि राहें हमवारी होती गई। भाई ने जैसे ही सोचा इंजीनियर बनने का, इधर से माँ बाप भी खुश, फैमिली मेम्बर्स भी खुश और सब कुछ सही। लेकिन बीच में ऐसे कि जैसे इरादे कुछ डगमगा से गए, लेकिन वहीं पे कुदरत ने एकदम से अपनी तरकीब बदली और भाई के खानदान में एक इंजीनियर ने एंट्री मारी, जिसे देख के सबने ही आवाज निकाली, वाह भाई वाह भाई। उसके बाद इरादा हो गया दोबारा हमारा फाइनल, क्योंकि अम्मी ने भी कहा बच्चा हमारा मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा।